Okay, students, so we were talking about the viability of seeds after dispersal. उसमें हमने बात की थी कि seed viability, जो भी एक seed है वो अपनी viability कई महीनों में lose कर सकती है या कई सालों में lose कर सकती है. Some seeds can remain alive for 100 of years. ठीक है. For example, the oldest one is the lupine, जिसका नाम है Lupinus articus. It's acclimated from Arctic tundra. The seed germinated and flower after an estimated record of 10,000 years of dormancy. इसको Arctic tundra से निकाला गया and 10,000 साल के बाद भी ये seeds viable थे. ठीक है. सीड वायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सीड जर्मिनेट करने के काबिल है. कई सीड्स हैं बनने के बाद तक कुछ महीनों तक ही अपनी वायबिलिटी रखते हैं. कई सीड्स हैं कुछ सालों तक रख सकते हैं. उसमें हमने पढ़ लिया ल्यूपिनस के बारे में कि ल्यूपिनस के सीड्स 10,000 साल तक, 10,000 साल के बाद हमने उसको एग्जेविट किया, उसके बाद भी दीज सीड्स आर enough to be germinated properly and to give rise to a good plant. Now, 2000 years old viable seeds is of date palm discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. Ab 2000 saal purani seeds date palm ki, जिसका नाम है फिनिक्स डैक्टिलिफरा, इसको किस कहां से निकाला गया? इसको निकाला गया किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी. डेड सी के पास से आ गया या किंग हेरोड का नाम आ गया जहां भी. तो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम फिनिक्स डैक्टिलिफरा. एंड व्हाट इज दिस? दिस दिस इज अ डेट ट्री बेसिकली. एंड इसमें से फिनिक्स सीड्स मतलब डेट की सीड्स निकाली गई. डेट क्या होती है? खजूर बेसिकली. डेट की सीड्स निकाली गई एंड दे वर आफ्टर 2000 इयर्स दे वर वायबल इनफ टू गिव राइज टू अ होल प्लांट. तो आपको समझ आ गया कि जैसे पॉलन वायबिलिटी है, पॉलन वायबिलिटी आधे घंटे से लेके कुछ सालों तक हो सकता है. बाकी हमने पॉलन बैंक्स के बारे में भी पढ़ा था जिसमें हमने पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा था और पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करने के बाद हमने देखा था कि उन पॉलन ग्रेन्स को काफी टाइम तक वायबल रखा जा सकता है. वैसे ही सीड वायबिलिटी का भी एक पीरियड होता है. उसमें जो दो चीजें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, दैट इज ऑफ ल्यूपिनस एंड ऑफ फिनिक्स सीड्स. ल्यूपिनस सीड्स को आर्टिक टुंड्रा में से निकाला गया 10,000 साल बाद एंड डेट पाम की सीड्स को निकाला गया 2000 साल के बाद किंग हेरोड के पैलेस से नियर डेड सी. ओके, सो दीज आर द टू नेम्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी. देखो, हमें तो पता है कि एक जो सीड है, ठीक है, बेसिकली द ओव्यूल, the formation of ovule to the seed we have read. Usme humne types of seeds ki thi, albuminous and non albuminous, the parts of the seeds and basically the monocot and the dicot seed, jo do iske types the wo bhi humne kar liye. Now the thing is that how is fruit formed from an ovary? The ovary develops into a fruit. ठीक है, जो पूरी ओवरी है, हमने देखा है फीमेल जो सेक्सुअल पार्ट होता है फ्लावर में, दैट इज बेसिकली द कार्पेल. द कार्पेल इज कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स. ओव्यूल्स के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो सैक में
एग सेल की फ्यूजन की हेल्प से कौन बनता है? हमारा एम्ब्रियो, मतलब जायगॉट बनता है, जायगॉट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है. एंड सेंट्रल न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन से, मतलब जब वो ट्रिप्लॉयड बन जाता है तो हमारा बनता है एंडोस्पर्म. ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं दीज आर कन्वर्टेड इनटू द सीड्स. एंड वैसे जो पूरी ओवरी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट. सो द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली. कि जैसे ही ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट होंगे ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होएगा. दिस इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस. कि इधर सीड की डेवलपमेंट हो रही है, उधर फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही है. बेसिकली देखो, जब एक फ्लावर फर्टिलाइज कर जाता है, ठीक है, पॉलिनेशन क्यों करता है, फ्लावर बनता ही क्यों है? फ्लावर बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से. फ्लावर को बनने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है. एंड फ्लावर फ्लावरिंग फॉर्मेशन का बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जो हर एक प्लांट में होता है. फ्लावरिंग जीन्स भी होते हैं कुछ, जो क्या करते हैं, दैट ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावरिंग. फ्लावरिंग में हमारी बहुत सारी एनर्जी यूज हो जाती है. क्यों? या तो हमें पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाने पड़ते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को भी एनर्जी चाहिए बनाने के लिए. नहीं तो हमें फ्लावर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड कलरफुल एंड नेक्टरफुल बनाना पड़ता है. इसमें भी क्या होती है, प्लांट की एनर्जी लग जाती है. ठीक है, सो जब एक बार पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन करवाने के लिए फ्लावर इतना अट्रैक्टिव दिखता है ना, जब उसकी पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, मतलब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन सक्सेसफुल हो जाने के बाद द ओव्यूल फाइनली एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन एंड द मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन हो गई. जब वो फर्टिलाइजेशन हो गई उसके बाद जो फ्लावर्स के पेटल्स एंड सेपल्स हैं वो झड़ने शुरू हो जाएंगे. अल्टीमेटली एंथर्स भी जो है, इन द केस ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर ऑफ कोर्स एंथर के दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमन एंड द स्टॉक. ठीक है, सॉरी, स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड द स्टॉक. एंथर में से सारे पॉलन ग्रेन्स निकल जाएंगे और उसकी जो स्टॉक है वो भी क्या कर जाएगी, झड़ जाएगी जब वहां में सारे पॉलन ग्रेन्स खाली हो गए. तो लास्ट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास रह जाती है ओनली द ओवरी पार्ट. And this ovary is converting itself into a fruit. ठीक है, fertilization होने के बाद सारे petals, sepals जो भी हैं, है ना, anthers also, वो सारा कुछ झड़ जाता है क्योंकि flower का काम पूरा हो गया. And अब जो ovary है वो fruit में convert होगी. Ovary fruit में क्यों convert हो रही है? क्योंकि सीड्स को प्रोटेक्शन फर्दर चाहिए एंड द फ्रूट्स कीप द सीड्स प्रोटेक्टेड एंड फ्रूट्स आल्सो प्रोवाइड अस न्यूट्रिशन. अब देखो, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प. पेरिकार्प इज द वॉल ऑफ द फ्रूट. फ्रूट का जो बाहर वाला पार्ट हमें दिखता है दैट इज द पेरिकार्प. ठीक है, ओके. द फ्रूट्स मे बी फ्लैशी. फ्लैशी इन द केस एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, दीज आर फ्लैशी फ्रूट्स. दिस कंटेन्स वाटर. इसका जो भी कंटेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, जो भी इसमें फ्रूट्स में होता है, इसके साथ साथ वाटर कंटेंट भी इसका इनफ होता है. ठीक है, जिसकी वजह से हम फ्रेश फ्रूट्स इसको बोला जाता है. फ्रेश फ्रूट्स का हम जूस निकाल सकते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स एज ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड. ठीक है, या मस्टर्ड को हम स्पाइसेस में लेते हैं. देखो, कुकिंग एंड बॉटनी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो कुकिंग को बॉटनी से रिलेट नहीं करना. हम वेजिटेबल्स बोलते हैं, हम सैलेड बोलते हैं. ठीक है, और भी बहुत चीजें होती हैं, बट दीज आर अल्टीमेटली यू नो प्लांट प्रोसेस. कि प्लांट्स के ही जो है प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको हम फ्रूट्स ही बोलते हैं. Either they are fruits or they are some other part of the plants. तो botany में cooking वाली चीज को confuse, home science वाली चीज को basically confuse नहीं करना है.
नाउ सी, फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स मतलब ट्रू फ्रूट्स इन दिस फ्रूट डिवेलप ओनली फ्रॉम द ओवरी. अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड फॉल ऑफ. मैंने आपको बोला कि फ्लावर के पार्ट्स क्या है, झड़ जाते हैं. ठीक है, ट्रू फ्रूट वही होता है जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी वाले पार्ट से डिवेलप हो और उसके बाकी सारे पार्ट्स क्या है वो झड़ जाते हैं. फॉल्स फ्रूट, अब थैलमस. स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर में हमने पढ़ा था कि इसके पेटल्स होते हैं, इसके सेपल्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी में याद करो. और जो लास्ट पार्ट होता है बेस ऑफ द फ्लावर इज द थैलमस. इन सम केसेस लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट्स, इसमें क्या होता है, जो थैलमस होता है ना वो भी क्या करता है, फ्रूट फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है अपनी. उसमें भी क्या होती है, स्टोरेज ऑफ फूड. देखो कोई भी चीज है, कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट है, वो स्टोरेज ऑफ फ्रूट मतलब स्टोरेज ऑफ फूड कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल, एंड हम उसे यूज करना शुरू कर देते हैं. सी, फॉल्स फ्रूट. इन दिस द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा. नाउ हमने दो टाइप्स के फ्रूट्स पढ़ लिए, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट. नाउ देयर आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, जो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन गए, उन फ्रूट्स को क्या बोला जाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स. फॉर एग्जाम्पल बनाना. ठीक है, बनाना में क्या होता है, जिन फ्रूट्स में बेसिकली सीड्स नहीं होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो सीड्स कैसे बनेंगे, एंड अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो ट्रू फ्रूट भी नहीं हुआ, दैट फ्रूट इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड सीडलेस. नाउ देखो हमारे पास बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, हमें पता है कि हाउ डज द बायोलॉजी ऑफ अ प्लांट वर्क बेसिकली, है ना, हमें पता है कि बायोलॉजी ऑफ अ प्लांट कैसे काम करती है, हमें उसके सारे हॉर्मोन्स के बारे में पता है, हमने उसके सारे एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रखा है, हमने सब कुछ कर रखा है उसके बारे में. तो सी, ह्यूमन बींग्स आर सो सेल्फिश, प्लांट्स हमें सिर्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, और बदले में प्लांट्स ये चाहते हैं कि हम उनको मतलब हम उनकी जो सीड्स हैं वो क्या करें, जर्मिनेट करें, इसलिए वो हमें फ्रूट्स देते हैं. ठीक है, बट यू नो ह्यूमन बींग्स आर सच सेल्फिश. जैसे कि वाटरमेलन है, वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, एंड यू नो दैट दीज सीड्स कॉज इनकन्वीनियंस टू अस. ठीक है, बट वी आर स्टिल प्लेइंग विद नेचर. अगर हम किसी भी फ्रूट को सीडलेस फ्रूट बना रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज कमर्शियली वेरी बेनिफिशियल बिकॉज सभी उसको खरीदेंगे, बट स्टिल इट इज अगेंस्ट द नेचर, है ना, एंड इट्स अ इनजस्टिस टू द प्लांट्स. सो ऐसा कुछ भी इनजस्टिस मतलब ओके, लेट अस नो गो टू दैट थिंग. ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स को यूज करते ही रहते हैं, एंड जिसको भी मतलब जो भी तरीका ह्यूमन बींग्स को मिल जाए, they just have to use. But I just want to say that respect the plants and grow more and more plants as you can. Make plants your best friend and badle mein aapko sab kuch milega jo aapko chahiye. Because plant is capable of giving everything. Aapko chahiye kya jeene ke liye? For to live, we need, you know, a shelter. We need food. We need water. Plants can give us everything. वॉटर तो नेचर में प्रेजेंट है. यू वॉटर द प्लांट्स, प्लांट्स विल गिव यू एवरीथिंग, प्योर शेल्टर, एनवायरमेंट. ओके, प्लांट्स कैन ऑल्सो फीड अवर एनिमल्स, एंड वी कैन गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स. ओके, वेल ये तो एक बात थी दैट वी शुड रिस्पेक्ट प्लांट्स. नाउ व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियम. सी, एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. सीड्स की कई बार प्रोडक्शन हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज एपोमिक्सिस. एंड फ्रूट की विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फॉर्मेशन हो रही है तो उसको पार्थिनोकार्पी बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एस्टरेसी एंड ग्रासेस में क्या होता है कि सीड्स फॉर्मेशन हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन. इट इज फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक्चुअल में ये जो एपोमिक्सिस है दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये क्या करती है मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रही है. दैट सीड्स आर नॉट द ट्रू सीड्स.
In some species, diploid egg is formed without reducting division and develops into embryo without fertilization. देखो, egg है, वो क्या होती है? Some species. MMC. Megaspore mother cell ने meiosis करनी है, ठीक है? अगर megaspore mother ने meiosis किए बिना ही egg form कर ली, तो egg क्या हो गई? Diploid and egg को fertilization की जरूरत नहीं है. तो egg ने खुद ही क्या कर लिया? अपने आप को embryo में मतलब कि सीड में बना लिया, ठीक है? एंड दैट सीड इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड बट इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट. इन मेनी स्पीशीज, फॉर एग्जांपल सिट्रस एंड मैंगो, सम न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक डिवाइड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक टू फॉर्म एम्ब्रियोज. उस ओव्यूल में मेनी एम्ब्रियोज होते हैं. देखो, एक ओव्यूल में सिर्फ एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है? एम्ब्रियो के बाहर क्या होता है? न्यूसेलस होता है. पर कई बार न्यूसेलर सेल्स ही एम्ब्रियो में डिवाइड होना शुरू कर जाते हैं. सच केसेस में, फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ सिट्रस. सिट्रस के केस में आपने देख लिया, इट इज वेरी कॉमन. एंड इन मैंगो वैरायटीज इट इज वेरी कॉमन. सो इसको बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनी बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेनी एम्ब्रियोज. ऑक्यूरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी. Now, importance of apomixis and hybrid seed industry. If seed form hybrids are sown, the plants and the progeny will segregate and lose hybrid characters. देखो, अगर हम कोई भी हाइब्रिड बना रहे हैं, ठीक है, और प्लांट को लगा रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो क्या करेगा? वो अपने कैरेक्टर्स को मर्ज कर लेगा एंड हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टर्स को नहीं शो करेगा, ठीक है? एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड इज आल्सो, यू नो, उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम होता है. इसलिए हम इसको एपोमिक्सिस के थ्रू बना सकते हैं. अगर एपोमिक्सिस के थ्रू बनाएंगे, एपोमिक्सिस होता क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन. सीड इज कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू द प्लांट, है ना? तो उस सीड को बना लो. विदाउट हाइब्रिडाइजेशन हमारा काम भी हो जाएगा और हमें फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए वो भी मिल जाएंगे. सो फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप. इन दिस केस ऐसे करके फार्मर्स क्या कर सकते हैं? न्यू सीड फॉर्म कर सकते हैं, न्यू क्रॉप फॉर्म कर सकते हैं विदाउट हाइब्रिडाइजेशन. एंड उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी सारे आएंगे हमारे जो भी हमें चाहिए.